हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। अभी जो मंथ चल रहा है, दैट इज अ सितंबर मंथ, विच इज सेलिब्रेटेड एज अ पीसीओएस पीसीओडी अवेयरनेस मंथ। जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है पीसीओएस सीरीज, उसमें हमने जैसे लास्ट जो वीडियोस आए हैं उसमें पीसीओएस क्या होता है, पीसीओएस एंड पीसीओडी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, टीनेजर गर्ल्स जो हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, पीसीओएस कैसे प्रिवेंट करना है, उसके ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इस सब के बारे में चर्चा की है। और आज मैं बताने वाली हूँ कि पीसीओएस की वजह से लॉन्ग टर्म क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसके बारे में। सो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया है कि पीसीओएस जो है वह प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है, उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो जैसे मैंने बताया कि पीसीओएस में बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ओव्यूलेशन में तकलीफ होती है, जो भी महिला है उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि बिकॉज ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है, उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी रुकने में या तो कंसीव करने में तकलीफ आ सकती है, यानी कि इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है कि जैसे पीसीओएस में अभी जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, और उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी महिलाओं को हम देखते हैं कि हाइपर इंसुलिनेमिया, यानी कि उनको डायबिटीज़ का भी रिस्क रहता है। अगर उनका रेगुलर एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स रेगुलर चेकअप किया जाएगा तो उनका अर्ली डायग्नोसिस होगा और उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होगा। तीसरा है कि जनरली हमने देखा है कि थिन पीसीओएस और ओबीस पीसीओएस रहते हैं, तो जिन लोगों को ओबेसिटी का इश्यू है, इन महिलाओं में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीनेजर में 15 साल में 16 साल में अगर उनको पीसीओएस डेवलप हुआ है, लेकिन एट द एज ऑफ 35-45 इन महिलाओं में कार्डियोवास्कुलर रिस्क, यानी कि हार्ट अटैक वगैरह आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। उनको अगर शॉर्ट नेक है और ओवरवेट है तो नींद में भी जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, स्लीप एपनिया जिसे हम कहते हैं, इस सब चीज़ों का भी रिस्क बढ़ जाता है। और जैसे ही मैंने बताया कि पीरियड्स इरेगुलर होता है, यानी कि पीरियड्स 1.5 महीने में 2 महीने में एक बार आता है, तो उसकी वजह से उनके शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से यूट्रस का जो अंदर का जो लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियम का जो कैंसर रहता है उसका रिस्क इन महिलाओं में बहुत ज़्यादा रहता है। सो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस या तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जो है पीसीओएस के, वह भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी हम टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेरे हर वीडियो में मैं बताती हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ही आवश्यक है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, चाहे आप जिम करें, स्विमिंग करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, रेगुलर आपको हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करना है, यानी कि सीट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लेना है, दाल है, पल्सेस है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। तीसरा है कि आपकी जो नींद है वो अच्छे से लेनी है, आपको 6 to 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए। आपको जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है वो भी आपको टाइम पे लेना है, और वाटर इंटेक जो है मिनिमम 8 से 10 ग्लास वाटर इंटेक करना है। सो अगर आपका वेट कंट्रोल में है, वेट लॉस आप अच्छे से कर लेते हो इन केस ऑफ ओबीस पीसीओ, तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है वह कम हो जाएगा। हेल्दी फूड हैबिट्स मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हम देखते हैं कि उनको
स्वीट डिशेज के लिए क्रेविंग होता है, आइदर चॉकलेट्स हो सकता है या तो जो जंक फूड वगैरह रहता है उसके लिए उनकी क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो अगर आप वाइट शुगर जो है उसको अवॉइड करते हैं, उसके जो सब्स्टिट्यूट है वो लेते हैं, वाइट फ्लोर जो है जैसे मैदा वगैरह है वह अवॉइड करेंगे, उसके बदले में आप मल्टीग्रेन वगैरह लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वह हेल्दी हो जाएगी, हेल्दी फूड हैबिट्स हो जाएंगे और इन सब चीज़ों से हम जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं वह प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि हमें इसमें से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वह कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए इन्वेस्टिगेशंस यानी कि रिपोर्ट्स किए जाते हैं, जैसे भूखे पेट आपका लिपिड प्रोफाइल है, HbA1c जिसे हम बोलते हैं कि 3 महीने का जो शुगर है आपका एवरेज वह किया जा सकता है, ओरल GTT कहते हैं हम, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं, भूखे पेट आपका फास्टिंग ग्लूकोज फास्टिंग इंसुलिन लेवल कर सकते हैं, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर पोस्ट प्रैंडियल इंसुलिन लेवल यह भी मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर आपका लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड है तो उसके लिए जो कोई मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट है वह आपको आपके फिजिशियन गाइड कर सकते हैं, यदि आप ओवरवेट हो तो उसके लिए भी क्या करना वह भी आपको गाइड कर सकते हैं, और एक बेसलाइन सोनोग्राफी कि सोनोग्राफी में आपका यूट्रस का जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसको रेगुलर चेक करना भी बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि इन केस उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या तो उसमें कोई वास्कुलर चेंजेस आ रहे हैं तो वह भी हमें जल्दी पता चल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको या तो आपके कोई भी नियर डियर को PCOS या तो उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि हम जो टीनेजर हैं या तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फीमेल्स हैं उनमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स से उनको बचा सके। और यदि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों के जवाब के साथ वापस आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।